हे hey दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ममाज गली के। और मैं हूँ याना। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा, मैंने कुछ शॉपिंग की है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और शॉपिंग का मेरा ये 10th पार्ट हो, और शायद थोड़ा लेंदी भी हो जाए, तो एडजस्ट करिएगा और देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और हाँ, मेरा कोई स्किन केयर नहीं है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। स्किन केयर रूटीन नहीं है, सिर्फ एक फेस वॉश है, बहुत जल्दी ही शेयर करेंगे। मार्क्स हल्के फुल्के हैं, लेकिन शाइन आपको दिख रही है। मैंने फेस में कुछ नहीं लगाया, खाली लिपस्टिक है। मैंने ली ये दो शैम्पू और कंडीशनर, और दोनों ही मुझे अलग अलग ही मिली, पर मैंने ले ली। ये एक्चुअली मेरे लिए नहीं, मेरी मम्मी के लिए है, तो मैंने लिया। उनको चाहिए था, मतलब पता नहीं उनको क्या चाहिए था एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता, पर मम्मी को ये बहुत अच्छा सूट करता है, तो इसीलिए मैंने लिया। लेकिन हाँ, इसका रिव्यू ला देंगे। बहुत सारे शैम्पूस हैं मेरे पास, तो और बहुत अच्छा काम किया ना, इवन वर्स्ट भी है, लेकिन इसका रिव्यू लाएंगे। वो उनमें यूज़ करने दीजिए, अच्छे से जब पता चल जाए तब लाएंगे। लेकिन फिर भी बता देते हैं, ये वाली है समथिंग फॉर क्लाइमेट, हाई ह्यूमिडिटी फ्रिज कंट्रोल फॉर 24 आवर्स। और ये वाली कंडीशनर है, उनसे लेकर भी यूज़ कर, तो खुद का भी रिव्यू और उनका भी रिव्यू दोनों मिलाकर आपको दे पाएंगे। फिर मैंने ली है ये, जैसे कि लॉकडाउन में सभी को पता होगा, ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और मेरे पास में है, एक्चुअली मैंने बिल रखा हुआ, क्योंकि मुझे प्राइस याद नहीं रहते ना, उस वजह से। देखिए, उल्टा पकड़ा हुआ है मैंने। देखिए, मैंने तो शॉप खोल ली, आप बोल सकते हैं, ये 3 और ये 3, मेरे पास इतने सारे, जैसे मैं दिखाऊँ आपको, इतने सारे मैंने फेशियल रेजर लिए हैं। मुझे इतने बाल नहीं आते हैं फेस में, हाँ रहते हैं थोड़े बहुत, लेकिन वो निकालते नहीं हैं। हाँ, अगर है तो रहने दीजिए, क्या वैसे निकाल, क्योंकि मुझे कोई मेकअप का तो वीडियोस लाना भी नहीं है, और करते हैं मेकअप पर उतना नहीं करते, जितना करें मतलब बाहर जा पाए तो अच्छा लगे, ऐसा करते हैं। लेकिन इसका मेरा दिक्कत ये है ना, क्यों मैंने लिया है ये जो साइड की, इसी के लिए, बस ये वहीं पे यूज़ होती है और कहीं पे नहीं। तो और ये मिलती नहीं है मेरे प्लेस में, बहुत मुश्किल हो जाती है, मुझे ढूंढनी पड़ती है, ऑनलाइन ऑर्डर करो तो भी आने की भी दिक्कत होती है, तो इस वजह से लिया है। और मुझे एक का वन पीस का 195 पड़ा था, टोटल 1170 रुपीज़ में मैंने मंगवाया है ये। देखते हैं रिव्यू लाएंगे, एक या दो कंप्लीट, एक कंप्लीट यूज़ कर लें, इसके बाद लाएंगे। वैसे भी अगर आप मेरे चैनल पे जाके देखें, तो मैंने रेज़र पहले भी एक तो ट्विंकल और समथिंग का रेज़र मैंने शेयर किया, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। 3 थे मेरे पास, और मेरा ऐसा नहीं कि एक या दो बार यूज़ करके मैं फेंक दूँ, ऐसा नहीं है। यूज़ करते हैं, जब तक वो काम करती है तब तक यूज़ करते हैं, क्लीन करके यूज़ करते हैं। तो उसमें से अभी मेरे पास में एक बची हुई है, नई की नई, तो ये लंबे समय तक जाने वाली है, तो इसीलिए सही चीज़ है। लेकिन हाँ, थोड़ी सी एक दिक्कत है, वो मेड इन चाइना है, क्योंकि मैंने बाद में देखा था, पर जिस लेडी ने मंगवाया था मेरे लिए, उसने सिर्फ मतलब मेरे ऑर्डर की वजह से मंगवाया था, तो इसीलिए मैंने सारा भी ले लिया था, क्योंकि अब जो इंडिया आ चुका है तो हम ये कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो उस वजह से। और फिर मैंने लिया है फेक नेल्स, ये 15 रुपीज़ की आती है, और ये बहुत पुराना था। अगर आप यहाँ पे, पता नहीं आप लोगों को दिख पाएगी कि नहीं, बहुत डस्ट है इसके ऊपर, पर मैंने ले लिया था, मुझे जस्ट ट्राई करना था। और मेरे नेल्स आप देख सकते हैं, बहुत ख़राब हालत में है, लेकिन थोड़ा ठीक ठाक दिख रहे, पता नहीं क्यों ख़राब हालत, इन द सेंस वो नेल कलर्स निकल गया और कुछ नहीं, ऊपर मेहंदी की कलर लगी हुई है, तो इसीलिए मैंने लिया 15 रुपीज़ वाला। ट्राई कर देखते हैं, ऐसा कुछ इतना डायरेक्शन और ये वो दिया नहीं है इन्होंने, कुछ अच्छे नेल पेंट्स के साथ, अगर ये रह जाए देखेंगे, अगर वैसे रहेगी तो अच्छा सा फिर एक बॉक्स अमेजोन से ले लेंगे, कि मेरे हाथ पे कैसी लगती है, मुझे बस ये देखनी थी, इसलिए मैंने लिया 15 रुपीज़ में वो। फिर है मेरे पास में, हाँ 2-3 चीज़ें, आप लोग अगर मेरे चैनल कभी देखे हो या फिर कुछ थोड़ा बहुत पता हो, तो आप लोगों को पता होगा कि मुझे हाइलाइटर्स बहुत पसंद है, तो मैंने फिर से एक लिया है अभी नया, जस्ट आज ही लिया। ये है मेबलिन न्यूयॉर्क का मास्टर क्रोम मेटालिक हाइलाइटर और रोज़ गोल्ड, तो मैंने वो लिया है एक, और इसमें दिया गया है 0.0, इसका शेड नंबर भी इन्होंने दिया गया है। और हाँ, ये सील्ड है, आप देख सकते हैं, इसे ओपन तो करनी है, लेकिन करने की थोड़ी सी दिक्कत है, तो
ओपन करने की दिक्कत है, इसे ब्लेड से काटनी होगी, अभी मेरे आस पास में नहीं है। इसका रिव्यू लाएंगे क्योंकि ये अभी एक सिंगल चीज़ ही मैंने लिया है मेबलिन से, तो मतलब पहले भी मेरे चैनल पे मेबलिन की बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू हैं और बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने अपना पुराना वाला जो भी था जैसे कि फाउंडेशन तो मैंने छोड़ दिया, अब यूज़ नहीं करेंगे उतना कर, हाँ लेकिन रिव्यू लाएंगे क्योंकि वो एंटी भी तो करनी है और ख़ुद यूज़ करके भी तो ख़त्म करनी है, पैसे लगाए हैं भाई मैंने, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है। फिर ये वाले की रिव्यू भी लाएंगे। हाईलाइटर है और बहुत अच्छा सा शेड है, अगर आप देख पाए थोड़ा क्लियरली, हाँ अब मेरा कैमरा फोकस कर रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। मिस क्लेयर का शिमर डस्ट, ये 195 की है, आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएगी, अमेजोन में भी शायद मिलेगी। ये शिमर डस्ट वो लूज पार्टिकल्स टाइप, लूज पार्टिकल्स ऑब्वियसली लूज पार्टिकल्स है जो डस्ट बोला है, ऊपर में आपको सील्ड मिलता है, ये कुछ ऐसे आती है। कितना ग्राम है क्या ऐसा कुछ तो मेंशन नहीं है इसमें, जी हाँ कुछ तो ऐसा मेंशन नहीं है, ऊपर में बस दिया गया है जैसे कि इनका मिस क्लेयर और ये सारी चीज़ें दी गई है। कलर बहुत अच्छा है, चलिए आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कैसा दिखता है, ओपन नहीं करेंगे अभी, बाद में नहीं करेंगे, सॉरी मुझे लगा कोई है करवा, ये कुछ चलिए आपको दिखाते हैं, शेड्स अच्छा है ना, देखिए ये तो एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं ना, बहुत अच्छा कलर है ये, देखिए आशा तो भी बहुत अच्छी लगेगी। और मुझे ये अभी लगा कर फिर फेस धोने का मन नहीं है, तो ऑब्वियसली शेयर कर देंगे कि ये दिखती कैसे है और क्या है, कैसे यूज़ कर सकते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि मुझे मेकअप उतने तो आते नहीं हैं, लेकिन हाँ जितने आते हैं तो उतना ही काफ़ी है मेरे लिए, तो काफ़ी है फिर ये। और ये बहुत अच्छा है, मतलब ट्रैवल फ्रेंडली भी है, तो आप ऐसे बस लेकर जाएं और यूज़ करें, मल्टीपर्पज़ यूज़ इसका। हाँ ये एक चीज़ मुझे शेयर करनी है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए था जो मल्टीपर्पज़ यूज़ के साथ शेयर करूँ ये चीज़, फिर मैंने और एक ली है, ये है कलबार की, हाँ यहाँ पे देखिए कलबार दिया गया है ना, फील द रेन एक्सपर्ट्स समथिंग किट, और ये एज अ हाइलाइटर, मैंने तो हाइलाइटर ही लिया है, पीछे की कुछ बता देते हैं। विद दिस डियो यू कैन स्लिम स्कल्पचर, आपको ये भी कॉन्टोरिंग भी मिल जाएगी इसमें और हाइलाइटर भी मिल जाएगी, दोनों का एक एज अ पैलेट है ये, और ये कुछ ऐसे दिखती है। कलबार की प्रोडक्ट्स लाएंगे, बहुत ही जल्दी उसका रिव्यू लाएंगे, बहुत सारी है भी मेरे पास, उतना भी नहीं है लेकिन है। और थोड़ा सा ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है ये, तो हाँ ऐसे देखिए बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है ना, ऐसे लग रहा है कि रेन ड्रॉप्स पड़ी हुई है, और ये थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ है, मतलब वो जो रेन ड्रॉप्स की जैसे दिख रहे हैं ना वो ज़रा सा उठे हुए हैं, तो वो है। फिर आपको यहाँ पे एक मिरर भी मिल रही है, कैसे मैं दिखाऊँ आप लोगों को, हाँ दिखा, तो ऐसा एक मिरर आप लोगों को मिल रहा है। फिर उसके बाद में कुछ ऐसा प्रोडक्ट है ये, चलिए दिखा देते हैं प्रोडक्ट कैसे हैं, ये दोनों फिंगर से ये करते हैं, देखिए ये लिया मैंने, और देखिए दिख भी नहीं रही है, तो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल हो गई, चलिए दिखाते हैं, हाथ में ही दिखाते हैं क्योंकि 1200 समथिंग है उसका प्राइस, अगर ऐसे दिखे ना तो फिर पैसे ही वेस्ट हो गए। हाँ ये बहुत है, हाँ नेचुरल हाइलाइटर जैसा तो काम ये करेगा, काउंटोरिंग उतना काम नहीं करेगा पर नेचुरल हाइलाइटर जैसे काम करेगा, ये सनलाइट में बहुत अच्छा काम करेगा, देखिए कैसे दिख रही, बहुत अच्छा दिख रहा। हाँ ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें तो मेरी फिर हो गई, मेकअप की इतनी थी, और कुछ एक्स्ट्रा रहेगी वो मैंने पहले वाले मेकअप का, मेरा एक्चुअली अलग पार्ट आना था लेकिन इसी के साथ मैं ऐड कर देंगे, उसमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं थे तो वो मैंने पहले ही उसे ऐड करेंगे। फिर मैंने लिया है ये शुगर का आई पेंसिल है, समथिंग कितने में है, 399 में, काजल और समथिंग उन्होंने लिखा है। ये कलर और शेड्स कुछ दिया 03 ग्रीन लाइट समथिंग तो दिया, और ग्रीन कलर मेरे पास इतने हैं ना, मुझे खुद ब्लू चाहिए, चलिए आपको दिखाते हैं, बहुत ही स्मूथ है, वैसे भी शुगर अपने मेकअप्स के लिए तो बहुत ही जाने माने टाइप है, तो
और सच बोलूँ तो शुगर का एक भी प्रोडक्ट नहीं है मेरे पास, ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट है शुगर की तरफ से जो मैंने लिया है, शुगर की तरफ से नहीं, मैंने खुद खरीदे हैं मगर शुगर का। तो होपफुल आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, और इसकी डिटेल्स वीडियो बाद में आएगी, और इसी के साथ में और एक वीडियो भी ऐड कर देंगे, हो सके तो बीच में ही ऐड कर देंगे या फिर इसके बाद ट्राई करेंगे ऐड करने का, तो आप वो भी देखिएगा, वो भी अच्छा ही है, वो भी मेकअप पे ही वीडियो आपको मिलेगा, मेकअप प्रोडक्ट्स के बाद में उसकी डिटेल वीडियो आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। है ये दो मेबिलिन की जो फिट मी फाउंडेशन आती है उसका छोटा वाला मैंने लिया है, ये कुछ 299 की आती है, इसकी डिटेल्स बाद में डालेंगे। ये टॉफी कलर में है और ये वार्म न्यूड में, मैंने काफ़ी सुन रखा था तो मुझे लेने का मन था इसलिए मैंने ये लिया। फिर उसके बाद में मेरे पास में है ये बायोटिक का जो उनका सीरम आता है ना, एजलेस सीरम, तो मैंने वो लिया, इसका छोटा वाला मैंने लिया, ये कुछ 230 रुपीज़ में आती है, मैंने 230 ही दिया, लेकिन अगर आप इसे अमेज़ॉन पे देखें ना अब बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, कुछ 100 समथिंग में मिल जाती है, 100-200 के अंदर आपको मिल जाएगी, या फिर 280 समथिंग मिलेगी अमेज़ॉन पे। तो फिर उसके बाद में मेरे पास में है ये, थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है कि ये लीक हो रही है, इसका जो कुकुम्बर सीरम है बायोटिक का ही मैंने सीरम सॉरी टोनर है वो मैंने लिया है, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, और जैसे कि आप लोगों को जो मेरा वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि मेरी स्किन ऑयली है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है ये, मुझे इतना पता है, तो ट्राई करेंगे और बताएंगे। फिर मेरे पास में है ये बायोटिक की आई जेल, मेरे पास इसकी आई क्रीम भी है तो मैंने सोचा आई जेल भी मैं ट्राई कर लूँ, तो इसीलिए मैंने आई जेल लिया था। और एक चीज़ आपको बतानी है, सोच रहे हैं ना कि एक सीरीज़ निकाले, जैसे लैक्मे की प्रोडक्ट है तो लैक्मे का ही कंप्लीट वो प्रोडक्ट डालूँ मैं एक दिन के बाद एक दिन, ताकि इससे आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। और इसी तरह मैंने बायोटिक की ओरिफ्लेम एवॉन और लैक्मे की मेबिलिन की इतनी मैंने प्रोडक्ट तो कलेक्ट कर ली है, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। फिर उसके बाद में मेरे पास में है ये ऑसम का जो बॉडी मिस्ट परफ्यूम आता है वो है मेरे पास, और इसकी और दो मैंने कलेक्ट कर लिया, मुझे एक और कलेक्ट करना बचा है, उसके बाद में इसकी कंप्लीट डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही जल्द, और यूज़ भी करना है, तो ये तीन तो यूज़ कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और भी है तो, और एक इसकी शायद से मेरे पास रेड वाली मैंने ली नहीं थी, तो रेड वाली मुझे लेना है, उसके बाद में आपके साथ में एक डिटेल वीडियो इसकी शेयर करेंगे। फिर मेरे पास में है लिप बाम, मैंने दो लिप बाम और लिया है, लैक्मे का है ये और ये निविया का है, आप देख सकते हैं ये पोमोग्रेनेट वाला है और ये एप्रिकॉट वाला है, और लैक्मे के और भी मुझे एक लिप बाम मिलनी है, उसके बाद में इसकी वीडियो शेयर कर सकते हैं, और देखते हैं निविया के और एक ले लेंगे, जैसे कि निविया पता है सभी को बहुत अच्छा होता है, बहुत टाइम से मैंने यूज़ किया है, ये वाले भी पता नहीं, पर इसकी ब्लैकबेरी वाली मैंने यूज़ कर ली है, तो मुझे ब्लैकबेरी वाली और एक पिंक कलर की है पता नहीं कौन सी, वो तो यूज़ करके मैंने एम्प्टी भी कर दी, अब मेरे पास है नहीं, तो अच्छी खासी वीडियो शेयर करेंगे, प्लस आपके साथ में एक लिप बाम की वीडियो शेयर करनी थी तो इसीलिए कलेक्ट भी कर रहे हैं। फिर मेरे पास में है ये लैक्मे का जो उनका ब्लशर आता है, ये है न्यूट फ्लश, तो मेरे पास इसकी दो ब्लशर भी कलेक्ट हो गई है, तो बहुत जल्द इसकी वीडियो डालेंगे। फिर मेरे पास है डॉक्टर बत्रा का ये नेचुरल स्किन लाइटनिंग क्रीम, वैसे कोई नहीं थी कि लाइटनिंग क्रीम या ऐसे कुछ मुझे लेना था, पर डॉक्टर बत्रा का क्रीम बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने ट्राई किया था, मुझे जब पिंपल्स आ गई थी एक बार, तो मेरी दोस्त ने मुझे उसने मुझे बाय कर दिया था ये डॉक्टर बत्रा का एंटी एजिंग क्रीम, और मुझे नहीं पता लेकिन मेरे पिंपल के साथ साथ वो जो मार्क्स थे विद इन अ वीक चले गए थे, तो ये वाली यूज़ कर जल्दी शेयर करेंगे इसका रिव्यू। और उसके अलावा मैंने उनका एक डॉक्टर बत्रा का और एक आता है कुछ एंटी पिंपल क्रीम, वो मैंने यूज़ किया था तो मेरे पिंपल गए थे पर मार्क्स नहीं गए थे जितने जल्दी मेरे वो एंटी एजिंग में चले गए थे,
तो तब से मुझे पता है कि ये बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद में है मेरे पास में वाटर गर्ल का 3 वेरिएंट, तो इसकी 2 मैंने शेयर कर ली है। आप अगर मेरा चैनल आप अगर मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो इसका पिंक और डार्क ब्लू वाला मैंने डार्क ब्लू वाला मैंने शेयर किया था, और ये तीनों भी मैंने यूज़ कर लिया लाने के बाद ही, क्योंकि मुझे ये कलेक्ट करने में थोड़े से वीक लग गए थे। एक ही साथ जाकर इतनी सारी चीज़ें लेते तो हो जाती, तो मुझे कुछ 2 वीक्स लग गए थे लेने में, टाइम भी नहीं मिल रहा था। तो मैंने जब लिया था पहले मैंने ये 2 ली थी, फिर ये मैंने लास्ट में ली, तो इसका मैंने टोटल 5 बॉटल्स कवर कर लिया है। तो अच्छे खासे एक डिटेल वीडियो इन 5ों के ऊपर बनाकर डालेंगे, तो कंपेयर प्लस सबकी स्मेल जो भी हो। तो और ये लॉन्ग लास्टिंग है, ये वाली ये भी अच्छी है, लेकिन ये दोनों ही, इसके तो सभी अच्छे हैं लेकिन ये वाली मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, पर ये दोनों बहुत अच्छे हैं, वो ब्लू और पिंक वाली भी बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद मैंने लिया है ये निविया का जो फेस वॉश है। एक्चुअली मैंने पहले इसे ट्राई कर लिया था, ये अब जैसे अभी मैंने बताया मेरी ऑयली स्किन है, ये ऑयली स्किन वालों के लिए है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा, अगर मुझे ऐसे लगता है कि मैं समर में इसे यूज़ करूँ ना तो ये प्रॉब्लम कर देगा, पर इसके अलावा अगर मैं इसे विंटर में यूज़ करूँ तो बहुत अच्छा रहता है। तो देखते हैं, ये वीडियो जल्दी डाल देंगे ताकि विंटर में ही मैं डाल दूँ ये इसे, ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए। पर समर में मुझे नहीं लगता अच्छा होगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है, मतलब ड्राई अप नहीं कर रहा है अभी जैसे विंटर के टाइम में ऑयली स्किन वालों को, बाकी का तो हम बता नहीं पाएंगे, पर इतना आइडिया है मुझे। वैसे मैंने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उसने मुझे बोला था आप कुछ भी ऑयल बेस्ड जैसे कि क्रीम टाइप के क्लेंजर्स या कुछ भी हो ना फेस वॉश, उसे यूज़ ना करें। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियोस आप देखते हो तो पता होगा कि क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो जेल बेस है। और उसके अलावा इसकी मैंने एक बॉटल ख़त्म कर दी थी, और वो बॉटल कहाँ रख दी मुझे नहीं पता, एम्प्टीज में भी नहीं मिल रही थी, तो मुझे नया लेना भी पड़ा, क्योंकि एम्प्टीज में मुझे ऐड भी करनी थी, प्लस इसका रिव्यू भी देना था क्योंकि मुझे ये अच्छा लगा था। फिर मेरे पास में है ये लैक्मे का वाइटनिंग रोज़ पाउडर विद सनस्क्रीन। मैंने इसका दूसरा वाला रोज़ पाउडर यूज़ किया है, तो मुझे वो भी पसंद है, कभी कभी जस्ट फॉर चेंज यूज़ कर सकते हैं ना, तो इसीलिए मैंने सोचा ये वाइट वाला भी मैं ले लूँ ताकि कलेक्शन भी बढ़ जाए। ऑनेस्ट रहूँ तो बताओ, कलेक्शन बढ़ानी थी, और मुझे वो बॉटल मतलब ये इसका जो कंटेनर है वो मुझे चाहिए था, क्योंकि वो वाली भी थी, तो मैंने सोचा मैं ये वाली भी ले लूँ, दोनों साथ साथ रहेंगे तो अच्छे लगेंगे। बड़ा अजीब लगता है सुनने में कि साथ साथ रहेंगे तो अच्छे लगेंगे, क्या बोला मैंने, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये मैंने मार्केट से नहीं लिया, ये वाली मैंने ऑरिफ्लेम के डीलर से लिया था, तो ये मुझे अभी मिली, मैंने सोचा इसी के साथ मैं ऐड कर दूँ कर। मैंने ऑरिफ्लेम का दवान का जो सुपर मैट लिपस्टिक है वो मैंने 2 लिया है, तो इसकी रिव्यू डालेंगे। पर इसकी कलर बहुत अच्छी है, आपको कलर आपको दिखाते हैं, देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर है ये, और एक दिखाते हैं। ये कुछ ऑफ़र में था 399 के, तो मैंने सोचा मैं ले लूँ कर, इसीलिए मैंने ऑर्डर कर दिया था, और ये बहुत ही जल्दी आ गया, वरना ये जल्दी आता नहीं है, तो अच्छा हुआ मैंने इसके साथ ही ऐड कर लिया इसे। सॉरी, ये वाली कुछ ऐसे है, प्यारा कलर है, थोड़ा सा रस्टेड वैसा लगता है लेकिन अच्छा कलर है, तो सोचा मैं इसकी डिटेल वीडियो ऑरिफ्लेम वाली के साथ ही डाल देंगी, आप देख लीजिएगा। फिर मैंने 2 लिपस्टिक लिया था, एलेटिन की जो मैट लिपस्टिक है, अभी एक मेरे बैग में है क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया 2-3 बार, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, कम प्राइस में जब इतनी अच्छी लिपस्टिक मिलती है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट देखिए कलर भी सिमिलर है ये फर्स्ट वाले के साथ में, लिपस्टिक में तो पैसे बर्बाद ही कर रहे हैं। फिर ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इन कलर का मैंने आई शेडो लिया है, कुछ कहाँ है 230 रुपीज़ में, आप ऑनलाइन देखें, मुझे ये ऑनलाइन नहीं मिला, जब इसकी डिटेल वीडियो बनाएंगे तब शेयर करेंगे ऑनलाइन में सर्च करके, और ऑनलाइन इन द सेंस कि मैं सिर्फ अमेज़ॉन, मुझे अमेज़ॉन से ही चीज़ें मंगानी पसंद है, अदरवाइज़ लोकल शॉप वो बेस्ट होता है। ये मुझे ओपन जो होता है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक्चुअली घर में लाने के बाद मैंने इसे तोड़ने की कोशिश कर ली, बहुत ऐसे ऐसे सब प्रेस कर दिया,
पर फिर गलती से ये ऐसे कुछ ओपन हुआ था, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे वो चीज़। और आपको और एक चीज़ दिखाते, इसकी कलर कलर बहुत अच्छी है, आप देखिए देखिए, थोड़ा सा होलोग्राफिक इफ़ेक्ट के साथ है जैसे कि मुझे पसंद है। इसमें डार्क पिंक शेड्स भी इसके बीच में आते हैं जो बाद में फॉल हो जाते हैं, मतलब वो गिर जाते हैं, और आपके पास में यही कलर सिर्फ बचती है। तो और मेन चीज़, और इसके पीछे एक मिरर भी मिल रहा है, आप देख सकते हैं मिरर, तो एक मिरर मिल रही थी तो बहुत ही अच्छा था। और 230 रुपीज़ में, लोकल शॉप से 230 में ही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा मैंने कोकोनट ऑयल लिया हुआ है, ये कोकोनट ऑयल अच्छा होता है तो इसकी रिव्यू शेयर करेंगे, क्योंकि मैंने इसका 2 बॉटल हमारे घर पे यूज़ हो चुका है, और ये एक लिया है और एक बैकअप के लिए लेना है क्योंकि आजकल मिल नहीं रही है मार्केट में, तो लेकर रख लूँ सोचा है। इसके अलावा है मेरे पास ये लास्ट 3 प्रोडक्ट्स, ये है बायोटिक का फेस वॉश, आप देख सकते हैं, मुझे तीनों ट्राई करनी है, ट्राई करके इसकी वीडियो शेयर करेंगे डिटेल में। ये वाली, इसके बारे में मैंने काफ़ी सुन रखा था, इसके अलावा भी बायोटिक का मैंने एक पपाया वाला ही कुछ एक फेस वॉश छोटा वाला मैंने यूज़ किया था 60 रुपीज़ का। ये सब ऐसे ही आती है, देखिए 60 रुपीज़ की है, ये भी 60 की है, ये कुछ 55 की है, तो ये वाली मैंने सुन रखी थी 55 वाली, तो इसीलिए वीडियो शेयर करेंगे आपके साथ में। पहले मैं खुद एक्सपीरियंस कर लूँ उसके बाद बताएंगे। 2 चीज़ें मुझे बोलनी है, एक तो क्या होता है कि जब हम वीडियो बनाकर डालते हैं ना, तो उसमें हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बहुत लोग आकर ऐसे बोल देते हैं कि झूठ बोल रहा है ये वो, झूठ बोलकर हमें कहीं से कोई पैसे नहीं दे रहा, हम खुद अपने पॉकेट से तो पैसे डाल कर लेते हैं ये सारी चीज़ें, तो ऐसे जब बोलते हैं बुरा लगता है। अभी क्या है कि सबका बॉडी टाइप, स्किन टाइप, सब कुछ अलग होता है, तो अभी मैं अपना एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे जो छोटे टाइम में मेरे हल्दी होती थी ना, कच्ची हल्दी जो बॉडी में लगाते थे बच्चों के, मुझे उससे दिक्कत होती थी, पर अब मतलब जैसे बड़े होते गए तो मुझे हल्दी सूट करने लगी, मुझे एलोवेरा से दिक्कत होने लगी, मुझे उससे एलर्जी सी हो जाती है, इवन जेल भी मैं लगाऊं तो हो जाती है। आप अगर मेरे वीडियोस में देखोगे, कभी मैंने ऐसे एलोवेरा जेल आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, और किया भी है तो जैसे कि आप कोई चीज़ दिखाते हैं, मेरे पास में ये है एवॉन का एलोवेरा आई मास्क, ये मुझे सूट करता है, मैंने लगाया, बहुत डर डर के लगाया। आई मास्क इसलिए मैंने लिया था क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत लोग आकर अगर ऐसे बोले वो ख़राब लगता है, हम सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अब जो चीज़ अच्छी नहीं है, हम आके अगर डायरेक्ट अच्छी नहीं है बोलेंगे तो ऐसे तो नहीं बोल सकते, बोलते हैं कि हाँ मुझे सूट नहीं करता, मुझे सूट नहीं करता इन द सेंस वो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो किसी और को सूट कर सकता है ना, प्रोडक्ट उन लोग बनाते हैं सभी के लिए। अब हमारा बॉडी में वो काम नहीं करता, वो हमारी गलती थोड़ी ना है, ना उनकी गलती है, ये बस होता वाला चीज़ है, तो आके ऐसे सब मत बोलिएगा, तो अच्छा नहीं लगता है, सीरियसली अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ इशू ना बनाए इस बात का। और एक बहुत लोग ऐसे भी है, मैंने देखा है मेरे वीडियोस में किसी ने कुछ कमेंट किया लेकिन कोई आकर बोला कि हाँ मुझे भी सूट करता है, बहुत अच्छा काम करता है, ये सारी चीज़ें देख के अच्छी लगी, क्योंकि मैंने भी ऑनेस्टली अपना ही एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, मैंने अपने ऊपर ट्राई किया उसके बाद ही मैं वीडियो डाला है।